अच्छा मेरे पास अभी मतलब ये बात मुझे याद आई कि कुछ मेरे ख्याल से शायद पिछले हफ्ते एक मैसेज आया हुआ था कि हम आपसे अपनी आप बीती शेयर करना चाहते हैं। बड़े अच्छे अल्फाजों में लिखा हुआ था ना, पहले मैं पढ़ के थोड़ा सा वो हुआ कि आप बीती, मैंने कहा, फिर खैर मैंने कहा जी फरमाइए क्या बात है क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं बात नहीं है, हमें अपनी आप बीती शेयर करनी है, आप तो कहानी सुनाते हैं सही है, हम आपको अपनी आप बीती सुनाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब भाइयों को बहनों को एक तल्ख हकीकत बताना चाह रहा हूँ जो ज़िंदगी में मेरे साथ हुआ, मेरी औलाद के साथ हुआ। मेरी बेटी पर जिन्नात का साया हुआ था जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था, और मैं कराची के जहाँ जहाँ मुझे पता चलता गया, जहाँ जहाँ मुझे मेरे दोस्तों ने बताया, यानी जिस हद तक मैं जा सकता था, मैंने सबके पास गया, सबसे मैंने अपनी बेटी का इलाज करवाया, मगर मुझे कहीं भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप गैर मज़हब के पास जाएं, आपका हल इलाज वहाँ से हो जाएगा। वहाँ से इलाज तो हो गया, फिर मैं गैर मज़हब के पास गया, उनसे मिला, उनसे मुलाकात की, और उन्होंने मेरी बेटी का इलाज भी कर दिया। मगर कहने का मकसद ये है कि हम जब उनके पास जाते हैं वो इलाज तो कर देते हैं, मगर जब उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो मस्ती करते हैं, उस बच्ची की तबीयत उनको बार बार ख़राब कर देते हैं। अब बाप होने के नाते मैं जाहिर है फिर उन्हीं के पास जाता था, तो जब उनसे मैं ये जिक्र करता था तो वो यही कहते थे कि हमें उतारा करना पड़ेगा, हमें बलि देनी पड़ेगी, हमें उतारा करना पड़ेगा। तो अब ये सिलसिला इसी तरह शुरू होता रहा और मैं पैसे देता गया। तो इसी तरह मैंने लाखों रुपया बर्बाद किया, लेकिन कोई हल तक नहीं पहुंच सका। लेकिन फिर मगर जैसे ही टीम से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया, फिर मुझे एक जगह ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरी बेटी, जब मैं उनके पास गया मैं अपनी बेटी को लेके, तो आज मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है और वो फी सबीलिल्लाह इलाज करते हैं। तो मैं आप सब बहनों से भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि ये मैं अपनी औलाद की खातिर जहाँ जहाँ भटका हूँ आप लोगों से गुजारिश है, कभी किसी दुनिया में किसी मत जाना, क्योंकि ये इनके पास लूट मार के सिवा और कोई चारा नहीं है। वो आपको परेशान करते रहेंगे, आपकी सारी जमा पूंजी बर्बाद हो जाएगी, और आपकी औलाद, अल्लाह ना करे आपकी औलाद पर अगर आता है या किसी पर भी आता है बहन भाई पर, तो वो ठीक नहीं होंगे, बल्कि मजीद आप उलझते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मगर जैसे जो टीम से मैं मिला था, फिर उन्होंने मुझे एक जगह बताई थी और वो फी सबीलिल्लाह इलाज करते हैं, तो अल्लाह का करम है, शुक्र है परवरदिगार का, उसका इतना शुक्र अदा करूँगा मैं कि आज मेरी बिल्कुल बेटी मेरी बिल्कुल ठीक है। तो आप सब भाइयों से गुजारिश है, बहनों से गुजारिश है कि कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला दरपेश आ जाए तो मेहरबानी करके एक तो ये कबीरा सगीरा गुनाह है जो मुझसे सरज़द हुआ था, मैं अल्लाह के आगे सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और करता रहूँगा तार कयामत, क्योंकि उनके पास जाना बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा सगीरा गुनाह है जो अल्लाह पाक नाराज़ होता है। तो आप भाइयों से भी गुजारिश है, आप कभी बहनों से भी गुजारिश है कि आप कभी इन पास उनके चुंगल में ना फंसे, किसी मुसलमान आलिम के पास चले जाएं, उनका इलाज थोड़ा सा स्लो होगा मगर अच्छा होगा, ज़िंदगी भर फी सबीलिल्लाह होगा, और बिल्कुल आपका औलाद जिस पर भी होगा वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगा। तो आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि इस तरह का कदम कभी जज्बात में आके ना उठाइए। तब जो उन पे गुजरी आप भी थी, वही है ना जो उनके ऊपर गुजरी, ये तो इन्हीं पे गुजरी है ना, कहानी नहीं है। हाँ। लेकिन अब ये भी इन पे गुजरी, ठीक है, लेकिन सुना हम रहे हैं, लेकिन सुना हम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपको सुनाना चाहते हैं बजाय इसके कि हम आपको भेजें और ये करें। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं इंशाल्लाह ज़रूर जब भी मौका मिलेगा, और वो भी कराची के ही हैं और एक पौश इलाके के रहायशी हैं, तो इंशाल्लाह बताता हूँ मैं आपको, जल्दी उधर भी चलेंगे हम। अभी एक बीच में बात याद आई तो इसलिए मैंने कहा पहले ही बता दूँ, कहीं हाँ तो इसलिए व्हाट्सअप नंबर मांगा जा रहा है, और बस किसी तरीके से वो
ऐसी बात है, वो जगह है, वो निकलना चाह रही है इस चीज़ से। हाँ वो जाहिर सी बात है, लोग अपनी कहानियाँ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन फिर एक बात वाजे कर देते हैं सुहेल भाई कि भाई इलाज हम नहीं करते, इलाज हम नहीं कर सकते, ये वाला इलाज जो दिमाग का इलाज होता है वो आप खुद निकाल सकते हैं अपने जहन से बातें जो भी हैं, लेकिन एक रास्ता है, लेकिन रास्ता हम ज़रूर दिखा सकते हैं कि जी ये रास्ता आपको सीधा लेके जाएगा और ये रास्ता आपको घुमा के लाएगा उधर ही, लेकिन उस रास्ते पर बहुत मुश्किल आता होंगी, लेकिन हम पहुँचा ज़रूर देंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ ना आपके पैसे लगने ना किसी किस्म की कोई और, लेकिन सीधा रास्ता तो है ही आसान ना, आपने घूम फिर के जाना है तो उसमें आपको बहुत इस तरह के ये वो कि जी ये कर लें तो जी वो कर लें, आप वही बात है कान आप यहाँ ये हाथ घुमा के इधर से पकड़ लें तो भाई ऐसे ही पकड़ लो यार, तकलीफों में तो लाइफ गुजरती है और अच्छा रास्ता है तो ऐसे तकलीफ बड़ा वैसे नहीं, मुझे नहीं लगता कि अच्छे रास्तों में तकलीफ आती होगी, नहीं तकलीफ आपको आती है, रुकावटें होती हैं, रुकावटें होंगी, आजमाइश भी होंगी, जैसे हम कई अरसे से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे थे नहीं हो रही थी यार, कोई अच्छा काम कर रहे हैं लगता है रुकावटें आ रही है, कोई रोक रहा है, नहीं हो सकता है, मैंने आपसे पहले भी यही बात डिस्कस की है इस चीज़ को लेके कि हो सकता है कि शायद वक्त ना हो वो हमारा, हाँ वक्त अब ये वक्त है, वक्त वक्त की बात होती है ना कि देखिए हो सकता है उस वक्त शायद हमारे लिए बेहतर ना हो, ये बात तो अब जाके बड़ा पक्का यकीन, अब जाके समझ आ गया ना ये चीज़ तो मैंने कहा हर चीज़ की एक वक्त एक टाइम पीरियड मुकर्रर है कि ना उससे आप पहले कर सकते हैं ना उसके बाद में कर सकते हैं, हमने कितने प्लान बनाए, कितने अरसे से करते आ रहे थे कि अब कर लेंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और अब देखें अल्लाह का शुक्र है जब शुरू हुआ तो अब जो है वो आपका रजिस्टर आज कहाँ है, वो जो आप दिखाते हैं सर भाई कौन सी सुनाऊं क्या सुनाऊं जिसमें आप नोट करते होते हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा सर भाई कि मैं अगर किसी की स्टोरी शेयर कर रहा हूँ बता रहा हूँ तो वो फीलिंग्स नहीं है, हाँ वो मतलब आप पे अगर कोई चीज़ गुजरती है आप बेहतर जानते हैं, तो अगर ये खुद आके बताएं व्हाट्सएप पे वीडियो बना के भेज दें वो अगर लोगों को सुनाया जाए, हाँ अगर वीडियोस बना के भेज दें तो उसमें ये भी हो सकता है कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी जो अपनी शनाख्त होती है वो आप नहीं जाहिर करना चाहते तो हम उसको ब्लर कर देंगे, सही है आपके पास जो वीडियो मतलब वो जो एक है जो भी अभी मौजूद है अभी मौजूद है तो आप मुझे भी उसको ब्लर करके ही भेजिएगा, सही है क्योंकि मैं भी नहीं चाहूँगा कि जब उन्होंने जाहिर सी बात इतना एक पोशीदा रखा हुआ एक चीज़ को कि जी उन्होंने सिर्फ आपको बताई कहानी और कहा फिर नसीहत सिर्फ उन्होंने रिकॉर्ड की, आप बता रहे थे कि उन्होंने बड़ा कहा है मुझसे इसरार किया है कि आपने जो है वो फ़ौरन चला दें, और लेकिन आपने लेकिन उनसे ये भी तो कहा था ना कि आप मुझे बता रहे थे उस दिन फ़ोन पे कि वो मैंने कहा उनसे कि जब मैंने आपसे वही लाइव सेशन के बारे में बात हो रही थी हमारी तो मैंने आपसे कहा था कि यार आप उनसे ऐसा करें कि रिकॉर्डिंग ले लें, तो आपने कहा कि नहीं वो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज रहे, बात ये है सर भाई उनके शोर ने ये बात अपने तक रखी, अपनी फैमिली में भी ये बात हुई सही, तो हमारे तवसल से अगर वो फैमिली आया हो जाती है तो हाँ ये खानदान में ये बात हुआ तो यहाँ भी एक पर्दा नहीं वो शनाख्त आप पर्दा रखो अल्लाह आपका पर्दा बिल्कुल शनाख्त को जो है वो जाहिर नहीं करेंगे, और आप लोग भी बगैर किसी इसके झिझक के डर खौफ के आप भेज दें, भले ऑडियो भेज दें अपनी रिकॉर्ड करके, वीडियो ना भेजें, आपको अगर लगे कहीं डाउट है कि जी हो सकता है भाई होता है ना डाउट कि यार कि नहीं यार ब्लर नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे, हमें तो बहुत लोग इस तरह के मिलेंगे नहीं यार आप हमारी तस्वीर नहीं दिखाइएगा वो फिर कर आवाज़ सुनाने पर भी राज़ी नहीं होते फिर बाद में, यार डर खौफ है लोग डर खौफ तो आज भी है, अभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो आर्टिस्ट हैं अच्छा फर्नीचर डिज़ाइन करते हैं, उनके साथ लाइफ में बहुत ख़तरनाक बात हो रही है, बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे यार उनका नाम है फवाद माशाल्लाह उस वाक़े के बाद माशाल्लाह कोई दाढ़ी हो अच्छा अच्छा माशाल्लाह नमाजी परहेजगार हो यार, अगर ये बातें अगर मुझसे ऑन रिकॉर्ड ना बाबा ना फिर आ जाएगी मेरे पास, अच्छा मना ही कर दिया उन्होंने साहब वो फिर आ जाएगी यार कौन डाल देता है ये बात, देखें वही एक बात आ जाती है ना कि मिसलीड करने वाले बहुत है ना, हम शुरू दिन से ये बात कहते हुए आ रहे हैं ना कि मिसलीड करने वाले बहुत है, अच्छा पता है कि दिमाग में आपके डाल दी कोई बात ठीक है, अब मैंने आपके दिमाग में एक बात डाल दी, अभी सुहेल भाई घर जा रहे हैं ना तो ज़रा देख के जाइएगा, आपके जहन में आ गए कि यार असद ने क्यों कहा होगा ऐसे क्यों कहा होगा, पूछते ही रहूँगा आपसे वो फिर पूछते भी रहेंगे फिर आपके रास्ते में भी जाते जाते वो बात रहेगी यार असद ने कहा ध्यान से जाना यार, भाई मैं तो आपके अच्छे के लिए कर रहा हूँ लेकिन आपने उसे किस तरीके से लिया वो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर सही कह रहा हूँ ठीक है, तो ये इंसान के अपने ऊपर ही होता है कि वो किस बात को किस तरीके से ले रहा है, और बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे होते हैं जिनको इग्नोर कर देने से
वो चीज़ें आप तक पहुंच ही नहीं पाती जिंदगी, मतलब आप सब बाहर हो जाते हैं इग्नोर करने से, बहुत सारी चीज़ें बैठने से। तो ये मैंने कहा था इस पर तो हमें बात करनी चाहिए असद भाई, कोई केसेस लाने चाहिए तो जो ये शक और वहम में जो लोग लाइफ ख़राब कर देते हैं, ऐसे लोग भी हैं हमारे कभी बहुत सारे। नहीं वाकई बिल्कुल, और जाहिर सी बात है लोगों को देखा भी है हमने इस तरह की शक व शुबात और वहम में जो पड़े हुए होते हैं लोग। मेरे खुद के घर में इस तरह मेरी जो मेरी अम्मी थी तो बहनी क्या खाया पानी नहीं पानी नहीं, अच्छा अच्छा कोई भी चीज़ खा रहे हैं कहीं जा रहे हैं। चलें ये वाले वहम तो एक वो होते हैं ना कि बड़े बूढ़े भी कहीं काफ़ी हद तक, मैं मतलब बीच में एक मेरा माइंड सेट था, हो सकता है शायद आप लोगों को बुरा लगे, मैं ये कहता था कि यार बड़े बूढ़े पता नहीं अपने दौर की बातें कर गए, अब ज़माना अलग है, बड़े बदलाव आ गए हैं, चीज़ें जदीद हो गई हैं, तो अब वो वाली सारे टोटके या वो चीज़ें वो बातें वो सब पुरानी हो गई। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो एक उम्र गुजार के गए हैं अपनी बड़े बूढ़े, और उन्होंने आगे की नसीहतें भी की हैं हम बिल्कुल, और वो टाइम बाय टाइम जब सिर्फ साबित होती गई ना कि नहीं यार उन्होंने ऐसा कहा था, और ये जदीद आ जाती है सामने आ जाती है और वो साबित हो रही है कि नहीं यार, तो फिर मुझे होता है फिर मेरा माइंड सेट थोड़ा सा चेंज हुआ। अभी ये मैं पिछले कोई 4-5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, मेरा एक माइंड सेट बड़ा अलग ही था उस वक्त ना कि नहीं यार वो कह गए, वो उन्होंने अपने वक्त के हिसाब से किए लेकिन हम तो अपने वक्त के हिसाब से चलेंगे ना, लेकिन वो नहीं यार, ये बड़ी वो दूरंदेशी होती है ना, दूरंदेशी वो वाकई नहीं। आजकल के लोगों में मुझे नहीं पता क्या है या नहीं है, लेकिन ये कि आजकल जज्बाती लोग ज़्यादा हैं, जज्बाती होकर और इस तरह से फैसले ले लेते हैं और फिर ये गलत राह पे चले जाते हैं, तो ये जो है वो पता नहीं होता कि इसका अंजाम क्या होना है आगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, लोगों का डर खौफ, ये डर ही तो मारता है। हाँ डर ही तो मारता है आपके, अगर डर आ गया भाई, डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, बेशक बेशक, और किसी का नहीं होना चाहिए। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मतलब यार, जब तक आप मैं मुझे एक बात समझ नहीं आती सोहेल भाई, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और आपसे भी सवाल कर रहा हूँ, ठीक है जब आपका ईमान पक्का है, अल्लाह पे यकीन है, फिर क्यों आपको जो है वो होता है कि नहीं यार मैं वहाँ से गुजरूंगा तो ये हो जाएगा, या किसी ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया, किसी ने बंदिश करा दी, किसी ने वो करा दिया, यार क्यों भाई क्यों? बस में माहौल कुछ चेंज हो चुका है, जैसे कि आपने बताया पुरानी बातें थी, बड़े बूढ़े हो गए थे उस वक्त, शॉर्टकट बहुत कम हुआ करता, किसी भी चीज़ में इंतज़ार किया जाता था, आज जो छोटी छोटी बातों को शॉर्टकट में कहीं भी जाना है, हम इवन कि अभी मुझे घर जाना है और आप कहेंगे यार यहाँ से नहीं यहाँ से चले जाना, फ़ौरन पहुँच जाना, तो वो मैं मुझे रास्ते का नहीं पता, मैं शॉर्टकट के लिए निकल जाता हूँ। तो ज़िंदगी के मामला भी कुछ इसी तरीके से हैं कि अगर ये नहीं यूँ कर लिया जाए तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये आमिल हज़रात भी तो कुछ ऐसे ही हैं, और मैं आपकी तकलीफ़ दूर नहीं हो रही है तो मैं यकीनन आपको किसी ऐसे बंदे के पास भेज दूँगा जो अमल उसका अच्छा नहीं है, और आप इतने परेशान होंगे और शैतान आपको बिल्कुल उसी तरफ रागिब कर देगा कि जाए जाए आपको मामला। अब देखें वो अगर आपका ईमान पक्का नहीं है तो ये बातें होनी है ना, जब आप दिल से आपने मान ली एक चीज़ के जी अल्लाह के सिवा उसके रसूल के सिवा कोई नहीं है, बात ही ख़त्म हो जाती है फिर। लोग आज के दौर के लोगों को बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, शॉर्टकट तो वैसे भी महंगे पड़ते हैं, मतलब ख़ासतौर पर इस तरह के उसमें कामों में तो ज़रूरी है। हमारा बस यही था एक, हमारा जो एक हमने भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, मतलब शॉर्टकट नहीं और बहुत सारे लाइफ में मामला होते हैं, ज़रूरी नहीं है, अच्छा ये चीज़ भी ज़रूरी नहीं है कि बंदा जादू टोने और इन्हीं चीज़ों में फंसा हो। तो मुझे तो आजकल ज़्यादातर यही मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ और सिर्फ जो है ना कमाना होता है कि जी पैसा कमाना है, दुनिया की फ़िक्र नहीं, कुछ नहीं, घर वालों की फिक्र नहीं, पैसा कमाना है मुझे, जिसकी आपने तवक्को रखी है, जिसकी नीयत बनाई दिया, फिर बाहर नहीं आते आप उससे, लेकिन देने वाला तो अल्लाह ही है ना, देने वाला अल्लाह है, और लेकिन नीयत भी नीयत पर इंसान की है, जो नीयत किस नियत से वो कर रहा है क्या कर रहा है। वो ये बड़े बूढ़ों को कहते सुना था ना कि ठीक है आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही है, आपका खाना आपकी रहाइश
मतलब आपकी ज़ाती ज़रूरियात आपकी फैमिली की पूरी हो रही है, उसके बाद एक्स्ट्रा है तो वो किसी और का है। तो खैर वो इस तरह की चीज़ों से ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद होती है ये चीज़ कि अगर आप कहीं से कुछ कुछ सुन के या कुछ देख कर कुछ सीख रहे हैं जो आपके लिए भी फ़ायदा है और आपने उसको सही वे में लेके चल रहे हैं। मतलब ये कि हम अपनी बात को ना कहीं भी किसी मतलब इस किस्म के वाक्यात जो है वो कहीं भी एक्सप्रेस नहीं करते जाते। डर खौफ होता है जैसे कि मैंने बताया कि डरते हैं कि आप दोबारा आ जाते हैं, ये हो गया। मतलब ये एक प्लेटफॉर्म हमारी तरफ से मिल गया है, हम बता देंगे भाई आप डर रहे हैं हम बता देंगे। तो अभी ये जो दावतें आ रही है कि आप आए, नहीं इसका हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ हमें कोई मखसूस दिन इनके लिए कुछ सेट करने पड़ेंगे कि इस दिन हम विजिट कर सकते हैं। ठीक है, स्केड्यूल को देखते हुए अपने, और जब भी उनकी फिर अवेलेबिलिटी हो चले जाएंगे। और अच्छा होगा कि वो हमसे खुद बताएं, आमने सामने बैठकर अगर बात करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई डाउट भी ना हो कि शायद हमने ये स्टोरी बनाई है और बना के पेश कर रहे हैं। और शनाख्त भी हम छुपा सकते हैं उसमें, अपना हिस्सा ब्लर कर दें आप जिसमें अगर वो हैं, बट अगर आना चाहें तो आ जाए सामने। आप तो शुरू से ही कह रहे थे कि नंबर दे दे, मैं ही मना कर रहा था, लेकिन अब तो नंबर चले गए और लोग बनाती जा रहे हैं, उसमें से देखते हैं कौन से केसेस देखते हैं। और एक तो केस मैंने कहा कि वो बात भी हो रही है उनसे, वो जगह दिखाना चाह रहे हैं यहाँ से। अच्छा, अलग तो इंशाल्लाह जी ये एक मुनफरद किस्म की इन्वेस्टिगेशन होगी जो हम जाएँगे वहाँ पर सर्च करेंगे, शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए। और हो सकता है कि उनका वहम ही हो उसे। अच्छा, लोग मुझसे कह भी रहे थे ना सोशल मीडिया पे, ऐसा भाई इन्वेस्टिगेशंस कब करेंगे। हाँ, तो इस दफ़ा इन्वेस्टिगेशन पे लेके चलते हैं सुहेल भाई, हमें भी मैं लेके जाता हूँ और आपको भी। बिल्कुल, तो सब कुछ आपके लिए ही है। तो वो शायद उनका वहम है जो अब तक मैंने सुना। हाँ, और हो सकता है कि रियल भी हो क्योंकि बीच नहीं कर रही। हाँ चलिए, इंशाल्लाह उसको जाके देखते हैं, हो सकता है उस जगह पे कुछ हो सकता है कुछ ना हो, गए हो देखिए। अभी तो हमें भी कुछ नहीं पता ना, हम भी इधर से बैठ के कुछ बोल नहीं सकते। बात वही आ गई जो अभी डिस्कस की थी कि किसी के बारे में बगैर कुछ जाने कितना बड़ा फ्लैट जो आजकल आपको पता ही यहाँ पर छोटी सी जगह लेना बहुत मुश्किल, और उसे छोड़ देना खुद रेंट पर चले जाना, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ होगा उनके साथ। बिल्कुल, तो वो चीज़ें जो है ना शायद हम वहाँ रुकते हैं ऐसा है तो, और एक अल्लाह ना करे कि कुछ हो और वो फिर अपनी फैमिली के साथ वहाँ आ जाए, आबाद हो जाए इंशाल्लाह, क्योंकि अपना घर इस दौर के अंदर जो है ये बड़ी बात, बड़ी नेमत है, एक बड़ी बात होती है। सारे बहुत परेशान जाएंगे इंशाल्लाह, मुलाकात करते हैं, आप उनसे टाइम ले लें, उनसे टाइम ले लेता हूँ और मुझे बता दीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके पास आ जाऊँगा यार। जैसे हाँ, मेरे बहुत करीब है, मेरे करीब भी हैं। अच्छा हाँ, तो बस ठीक है, फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा, फिर हम वहाँ से वहाँ चले। बिल्कुल, आज के लिए इजाज़त है, बस आज के लिए इजाज़त है। और हमारा मकसद ये है कि किसी की भी स्टोरी आपकी स्टोरी उन तक पहुँचाएँ जो सुनने के बाद उन चीज़ों से एहतियात करें, परहेज करें, अपना भी ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। बिल्कुल, यही है हमारा मैसेज। सब इजाज़त है, बिल्कुल इजाज़त है, मुझे भी इजाज़त दें और मुझे भी इजाज़त। रात बहुत हो गई, हाँ रात बहुत होगी, बस ये है कि फिर कब मिल रहे हैं इंशाल्लाह, जल्द जल्द आपसे और इसी केस के सिलसिले में मिलेंगे इंशाल्लाह। बस ये जो आप लाइनअप कर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो आप लाइनअप कर लें इंशाल्लाह, फिर दोबारा किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे और सुहेल भाई को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।